हेलो गाइस, वेलकम टू राइड विद बाइक रजत यूट्यूब चैनल। टीवीएस ने टीवीएस एंटोर्क 125 सीसी स्कूटर का न्यू वर्जन को लॉन्च कर दिया है, जिसका ट्रेलर सबसे पहले मैंने अपने चैनल पर डाला था। तो अभी जो टीवीएस ने एंटोर्क 125 को लॉन्च किया है, उसका नाम कंपनी ने एंटोर्क 125 रेस एक्सपी रखा है, और इसमें कमाल के न्यू फीचर को भी एड किया गया है। न्यू पावर ट्रेन भी इसके साथ में मिलता है, और साथ ही इसका प्राइस भी अनाउंस हो गया। क्या कुछ इस न्यू एंटोर्क 125 रेस एक्सपी में मिल रहा है, वो सब कुछ इस क्विक रिव्यू वीडियो के साथ आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चेंज आपको स्कूटर में देखने को मिलेगा, जो कि है इसमें न्यू ग्राफिक्स और स्टिकर को ऐड किया गया है। साथ ही इसमें कुछ न्यू कलर को भी लॉन्च किया जाने वाला है। तो सेकंड चेंज की बात करें तो सेकंड चेंज आपको पावर और टॉर्क में देखने को मिलेगा। इस स्कूटर में 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। वहीं इसके पहले जो टीवीएस एंटोर्क रेस एडिशन मिलता था, उसमें आपको 9.3 पीएस का पावर मिलता था 7000 आरपीएम पे। बट जो न्यू एंटोर्क रेस एक्सपी है, उसमें 10.2 पीएस का पावर आपको मिल रहा है, यानी पहले से थोड़ा ज्यादा पावर आपको इसमें मिल रहा है। अगर डिफरेंट की बात करें ओल्ड वाले से और न्यू के जो पावर में डिफरेंट का, तो वो 0.8 पीएस का पावर आपको ज्यादा मिल रहा है नए वाले एंटोर्क रेस एक्सपी। वहीं टॉर्क की बात करें तो ओल्ड वाले एंटोर्क रेस एडिशन में आपको 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है 5500 आरपीएम पे। बट जो न्यू एंटोर्क रेस एक्सपी है, उसमें 10.8 न्यूटन मीटर का पावर मिलता है आपको 5500 आरपीएम पे। मतलब ओल्ड वाले से न्यू वाले में 0.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज्यादा मिल रहा है। और वैसे भी टीवीएस एंटोर्क को एक पावरफुल स्कूटर के रूप में जाना जाता है, और कंपनी इसका टॉप स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर का क्लेम करती है। वहीं थर्ड चेंज की बात करें तो अब आपको इसमें राइडिंग मोड भी मिल जाएगा। इस स्कूटर में अब आपको दो राइडिंग मोड देखने को मिलेगा। जो पहला है वो है रेस मोड, एंड जो सेकंड है वो है स्ट्रीट मोड। रेस मोड में आपको काफी अच्छा पावर और एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर स्ट्रीट मोड की बात करें तो इसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा माइलेज मिलने वाला है। चाहे आप ट्रैफिक में भी क्यों ना हो, इसमें आपको काफी अच्छा माइलेज मिलने वाला है स्ट्रीट मोड में। फोर्थ न्यू चेंज की बात करें तो टीवीएस एंटोर्क रेस एक्सपी में वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर मिल रहा है। साथ ही ये स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होकर इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर सारा डिटेल्स को अपडेट करता है, सारा डिटेल्स वहां पे आपको शो होगा। इसमें 15 तरीके से अलग अलग वॉइस कंट्रोल कमांड दिए गए हैं। जैसे आप कुछ भी बोलेंगे, वो 15 जो फीचर इसमें ऐड किया गया है, जो आप वॉइस कंट्रोल अपने वॉइस से कमांड कर सकते हैं। जैसा कि वॉइस से बोल के इसका नेविगेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं ओपन नेविगेशन, तो नेविगेशन ओपन हो जाएगा। चेंज राइडिंग मोड, तो वो भी आप अपने वॉइस कंट्रोल से बोल सकते हैं, आपको वहां पे कंसोल पे शो होता हुआ दिख जाएगा। साथ ही आप इसमें एडजस्ट कंसोल ब्राइटनेस वो भी कर सकते हैं अपने वॉइस कमांड देकर। और साथ ही आप इसमें एक्टिव डीएनडी, जो डू नॉट डिस्टर्ब सेवा होता है, उसको भी आप अपने वॉइस कंट्रोल के साथ अपडेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारा कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल में देखने को मिलेगा, और ऐसे ही काफी सारे फीचर भी आप इसमें वॉइस कंट्रोल के साथ, वॉइस कमांड के साथ चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप इस स्कूटर में अपना एड्रेस भी सेव कर सकते हैं, इसमें ये फीचर भी ऐड किया गया है। साथ ही इसके कुछ और फीचर्स की बात करें, जैसे इसमें ऑल ईडी हेडलैम्प मिल जाता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, रियर में ड्रम ब्रेक मिलता है, और फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में शॉक ऑब्जर्वर मिल जाता है। रेस एडिशन की तरह बिल्कुल सेम है। वहीं टीवीएस एंटोर्क रेस एक्सपी का जो कंपटीटर है, वो होंडा की स्कूटर से हो सकता है, और यामा की आने वाली जेडआर 125 एफआई जो हाइब्रिड में आने वाली है, उससे इस स्कूटर की कड़ी टक्कर होने वाली है। वहीं अब इस न्यू टीवीएस के एंटोर्क 125 रेस एक्सपी के प्राइस की बात करें, तो ये एंटोर्क रेस एडिशन से 4900 रुपये कॉस्टली है। रेस एक्सपी मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस 83275 83275 रुपये रखा गया है। तो ये 4900 रुपये जो लगभग 5000 के अराउंड में आता है, मतलब ये 5000 में आपको एक न्यू जनरेशन का, आपको न्यू वर्सन का टीवीएस एंटोर्क देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्कूटर अभी के लिए बेस्ट है। तो अगर जिनको भी इंटरेस्ट है, वो आप खरीद सकते हैं। और वहीं बात करें ये शोरूम में कब तक अवेलेबल होगी, तो ये इस हफ्ते के एंड तक शोरूम में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये था इस स्कूटर के क्विक रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे अगर आपने इंस्टाग्राम पर अपडेट नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो वहाँ पर मुझे फॉलो करें, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले वहाँ सबसे पहले अपडेट कर देता हूँ। और कुछ टाइम बाद इसका वर्क अराउंड वीडियो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, तो आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक। You blink, you miss it. Presenting the all-new TVS Ntorq. Did you love the all-new TVS Ntorq? Tell us in the comment section. Adios.